हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूट्यूब को कंप्लीट ब्लॉक किया हुआ है। इस यूट्यूब को ब्लॉक करने के लिए मुझे फायरवॉल रूल, वेब रूल, एप्लीकेशन रूल बनाना पड़ता है। तो कैसे करते हैं और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो आप जाइए और जल्दी से इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से मैंने यहाँ पे पूरी सोफोस वायरल के ऊपर पूरा एक वेब सीरीज कंप्लीट बनाया हुआ है, जिससे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने करीब करीब 100 से 150 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख के कंप्लीट फायरवॉल को सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी से कुछ दिनों पहले से मैंने अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग भी चालू किया है। जैसे मैं किसी भी वीडियो में लिंक डालूंगा तो मैं कौन सा फायरवॉल यूज करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिटेल दे दी है। जैसे आप, मैं कौन सा लैपटॉप, इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मैं कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका डिटेल ओपन हो जाएगा। तो आपको भी चाहते हैं कि मैं कौन सा यूज करता हूँ, कौन सा फायरवॉल, कौन सा प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो आप भी जाके देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं गाइज। तो गाइज, आशा करता हूँ आप लोग को जो मैं जानकारी दिया इससे आपको काफ़ी डिटेल्स मिली होगी। लेकिन कंप्लीट आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे सोफोस रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल वीडियो को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यूट्यूब हम कैसे ब्लॉक करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया था जो वर्जन 17 में था, और ये वीडियो मैं लेकर आया वर्जन 18 में। तो इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको कि कैसे हम यूट्यूब ब्लॉक करते हैं सोफोस एक्जी फायरवॉल में। तो गाइज, अभी मैं अपने फायरवॉल में लॉगिन किया हूँ, इसी प्रकार से आपको भी अपने फायरवॉल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी यूट्यूब यहाँ पे मेरा खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब मेरा चल रहा है, खुल रहा है। अब इसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे कि यूट्यूब ना खुले, फायरवॉल से कैसे हम पॉलिसी अप्लाई करेंगे, कैसे हम एप्लीकेशन फिल्टर इनेबल करेंगे, कैसे हम वेब फिल्टर इनेबल करेंगे यूट्यूब को ब्लॉक करने के लिए, तो ये मैं लाइव आपको दिखाने वाला गाइज। तो सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में आना है। आने के बाद आपको सबसे पहले गाइज क्या करना पड़ेगा, हमको यूट्यूब ब्लॉक करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहता है वेब। सबसे पहले हम वेब में जाएंगे। वेब में जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट पॉलिसी ओपन हो जाती है, इसको हमको मिनिमाइज कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रोल अप करना पड़ता हमको, तो यहाँ पे ऐड पॉलिसी का एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। इस ऐड पॉलिसी को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी का आपको यहाँ पे नाम देना है। तो सपोज मैं अभी YouTube ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे YouTube ब्लॉग नाम से मैं एक नाम देता हूँ। इसे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं जस्ट आपके लिए यूट्यूब यहाँ पे लिखता हूँ, BLOCK ब्लॉग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए पर्पज से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ऐड रूल पे क्लिक कर देना है। ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एनीबडी, ऑल वेब ट्राफिक, एक्शन इन यूज, और यहाँ पे बोल रहा है टाइम, मतलब आपका पॉलिसी कब से कब अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हम अब ऑल वेब ट्राफिक नहीं करना हमको, अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है, जैसे गाइज इसको कैंसिल कर देना है और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, शो ओनली पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ऑल कर देना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको व्यू ऑल ही करना है, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दिखती है और बहुत सारे मतलब जो ये जो कैटेगरी है वो शो नहीं होती है। अब यहाँ पे हमको यूट्यूब ब्लॉक करना, तो यूट्यूब जो आता है वेब मतलब वीडियो होस्टिंग में आता है, तो यहाँ पे आप वीडियो सिर्फ टाइप करोगे तो वीडियो होस्टिंग में यूट्यूब आता है, एक कैटेगरी है वीडियो होस्टिंग, उसके अंदर स्ट्रीमिंग की वीडियो में आती है। तो इसको आपको कर देना है, सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब इसके अंदर यूट्यूब ऑप्शन भी इस कैटेगरी में आता है, तो इतना आपको करना है। ये करने के बाद अब यहाँ पे एक्शन पूछ रहा है। अब आपको यूट्यूब चालू करना है तो अलाउ करना पड़ेगा, ब्लॉक करना है तो HTTPS रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे तो ये रूल चालू हो जाएगा, मतलब ये जिसको भी अप्लाई करेंगे उसकी इसमें यूट्यूब खुलेगा, और यहाँ पे अगर हम ब्लॉक करते हैं तो ये जिसको भी अप्लाई करेंगे उसमें उसकी इसमें यूट्यूब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है यूज एक्शन, तो जब उसको खुले तो क्या ब्लॉक दिखना चाहिए या कैसा मैसेज, वार्म मैसेज या वार्निंग आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ब्लॉक लिख देते हैं, वार्निंग आना चाहिए उसको। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम, अब ये जो पॉलिसी आप बना रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी टाइम पे चलना चाहिए, फिर पर्टिकुलर उस टाइम पे बंद होना चाहिए या ऑल टाइम करना चाहिए, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम भी डाल सकते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ संडे को चले
या पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है कि वीकेंड डे में चले, तो ऐसे आप टाइम डिसाइड कर सकते कि ये पॉलिसी कितने से कितने हावर चलना चाहिए, डेली चलना चाहिए या जैसे अभी। तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम कर देता हूँ। अभी इतना करने के बाद यहाँ तक हमने कर लिया गाइज, अब यहाँ पे आपको इसको कर देना है ऑन। ऑन करेंगे तो ये रूल एक्टिव हो जाएगा और ये डिफॉल्ट एक्शन हमेशा अलाउ रहेगा। अब इसको हमको स्क्रोल डाउन करना है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको स्क्रोल डाउन करना है और स्क्रोल डाउन करना है और यहां पे हमको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे गाइस कुछ सेकंड्स में, अभी यहां पे रूल बनाने के लिए बोला, अभी हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट में हम बताएंगे कैसे पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक यूट्यूब नाम से पॉलिसी बनाई थी, जो हमारी पॉलिसी के नीचे देख सकते हैं यूट्यूब ब्लॉक, इस पॉलिसी बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट रखा था। ये पॉलिसी अभी हमने किसी को अप्लाई नहीं किया, ये पॉलिसी हमारी बन गई। तो मैं एक बार जस्ट थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिखा दूंगा। ये देखिए, हमने इस एनीबडी बनाया था, कैटेगरी वीडियो होस्टिंग रखा था। ये कंप्लीट हमारा जो है कि पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब हमको बनाना है, अभी हमने वेब बनाया, हमने वेब से यूट्यूब को तो ब्लॉक कर दिया, अब हमको एप्लीकेशन से कैसे ब्लॉक करना है अब वो आपको दिखा दूँ। अब इसके बाद जब सेकेंड ऑप्शन हमारा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हम YouTube को कैसे ब्लॉक करते हैं, या कोई एप्लीकेशन YouTube का अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, उस एप्लीकेशन से YouTube चला रहा है। अभी तो हमने वेब से ब्लॉक किया। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको नाम देना पड़ेगा, ऐप ऐप YouTube ब्लॉक में ऐसे लिख रहा हूं, ताकि ये एप्लीकेशन का है, वो वेब का है। और यहां पे आपको अलाउ ऑल रखना है और इसको जस्ट क्रिएट कर देना है। अभी हम सेव कर देंगे। तो हमने एक मींस फोल्डर बना दिया। अब देख सकते हैं आप, यहां पे ऐप यूट्यूब आ गया। अब इसको वापस इसको क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। इसको जैसे क्लिक करें ओपन होगा। अभी ये इस फोल्डर के अंदर, मतलब इस एप्लीकेशन का एक हमने फोल्डर बना दिया, उसके अंदर अब यहां पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। अब इस ऐड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, कैटेगरी है, रिस्क है, मतलब कैटराइट बनाया हुआ ऑलरेडी है, लेकिन हमको अभी क्या करना, पर्टिकुलर हम यूट्यूब पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां से हमको ना सिलेक्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहां से जो ये टावर जैसा आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे हमको फिल्टर कर देना है, यहां पे हम यूट्यूब टाइप कर देते हैं, तो यूट्यूब के रिलेटेड जितने भी रहेंगे वो सारे खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब के रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है जो चलते हैं, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे हमको शो हो रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप नीचे तक देख सकते हैं, सिलेक्ट सारे सारे कुछ हमने यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब सर्च, यूट्यूब डाउनलोडर, यूट्यूब सब्सक्राइबर, सारे सब कुछ आ गए। अब इसको यहाँ पे हमको कर देना है, थोड़ा सा स्क्रॉल आना है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इसको अलाउ रखना है या डिनाई रखना है, मतलब जो आपने ये सर्च किया है इसको आप जहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको ब्लैक लिस्ट रखना है या व्हाइट लिस्ट रखना है। तो अब हम इसको हम ब्लैक डिनाई मतलब ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे शेड्यूल पूछ रहा है, जैसे आपको अपने वेब में पूछा था यहाँ पे, उसी प्रकार से इसमें भी पूछ रहा है ऑल टाइम रखना या पर्टिकुलर कोई टाइम टाइम पीरियड में रखना। तो हम इसको ऑल टाइम रखेंगे और डिनाई रखेंगे। अब हम यूट्यूब ब्लॉक करना सीख रहे हैं, तो हम यूट्यूब डिनाई रख दिए और इसको कर देंगे सेव। जस्ट इतना ही करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फिल्टर पॉलिसी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे हमने YouTube का ये कैटेगरी आ गई, ये इसके कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेशन जनरल, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग और यहाँ पे ऑल टाइम डिनाई। अब इसको कर देना है सेव। अब हमने एक ऐप बनाया यहाँ पे, अब जिसका फाइल का नाम हमने रखा ऐप YouTube ब्लॉक, और इसमें हमने सब कुछ ब्लॉक कर दिया YouTube के रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे। अब हमको पॉलिसी क्रिएट करना, रूल क्रिएट करना है। अभी तक तो हमने पॉलिसी बनाई, एक वेब की पॉलिसी बनाई, एक यूट्यूब की पॉलिसी, एप्लीकेशन की पॉलिसी बनाई। अब हम इसको कैसे किसी यूजर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसको हम रूल्स एंड पॉलिसी में समझेंगे। तो अब रूल्स एंड पॉलिसी पर आपको क्लिक करना है। रूल्स एंड पॉलिसी पर क्लिक करने के बाद गाइड आपको यहाँ पे डिफॉल्ट फायरवॉल रूल्स ऑटोमेटिक आता ही है, और यहाँ पे ऐड फायरवॉल रूल पे क्लिक करना है। ऐड फायरवॉल रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको न्यू फायरवॉल रूल पे क्लिक करना है। न्यू फायरवॉल रूल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम नाम देंगे कि हमको क्या, मतलब किस नाम से इस रूल्स और पॉलिसी को नाम देना है। तो यहाँ पे हम लाइक नाम दे देते हैं यूट्यूब ब्लॉक पॉलिसी, ऐसा एक नाम दे देते हैं हम यहाँ पे
यहाँ पे हम यूजर भी लिख देते ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई रहे यूजर्स। अब डिस्क्रिप्शन में हम टेस्ट रख देते क्योंकि हम देख रहे हैं सीख रहे हैं। अब यहाँ पे रूल पोजीशन, गाइस रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रूल पोजीशन एवरी टाइम हमेशा टॉप पे, कोई भी आप रूल क्रिएट करें उसको हमेशा टॉप पे रखना है। अगर आपने बॉटम पे रखा और उसके ऊपर भी कोई रूल है तो रूल एक्टिव मतलब काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। तो हमने नेम, रूल नेम में एक नाम रख दिया, डिस्क्रिप्शन में हमने टेस्ट रख दिया, रूल पोजीशन हमारा टॉप रहेगा। एक्शन, एक्शन का मीनिंग होता है गाइस एक्शन में एक्सेप्ट रखेंगे तो यूट्यूब चलेगा, मतलब ये रूल चलेगा, ड्रॉप रखेंगे तो रूल नहीं चलेगा। तो हमको यहाँ पे एक्शन एक्सेप्ट रखना है। अब यहाँ पे रूल ग्रुप में ऑटोमेटिक हम रख देते हैं, इसको नन कर देते हैं, हमने कोई रूल ग्रुप नहीं बनाया। अब यहाँ पे फायरवॉल ट्रैफिक हमको इनेबल करना है। इनेबल क्यों करना है, क्योंकि इस रूल में जो भी यूजर्स रहेंगे कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो हम लॉग में देख सकते हैं उसने क्या सर्च किया, कौन से आईपी किया, उसका मैक एड्रेस क्या था, वॉट एवर। अब थोड़ा सा हमको स्क्रॉल करके नीचे आना है यहाँ पे। अब हमको सोर्स जोन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। सोर्स जोन पे क्लिक करने के बाद सोर्स जोन हमेशा हमारा लैन रहेगा। हम अभी लैन से वैन की रिले पॉलिसी बना रहे हैं तो सोर्स जोन हमेशा हमारा लैन रहेगा, सोर्स जोन हमेशा हमारा लैन रहेगा। और सोर्स नेटवर्क मतलब इस लैन में किस डिवाइस को आप अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेरा टेस्ट सिस्टम है जिस लैपटॉप जिस सिस्टम से मैं कर रहा हूँ इसी में हम, ये मेरे सिस्टम का आईपी है, टेस्ट 90 रख देता हूँ मैं इसका, जिस सिस्टम पे मैं कर रहा हूँ इसी का यूट्यूब ब्लॉक करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूट्यूब यहाँ चल रहा है, अभी हम इसको ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे इस सिस्टम का आईपी है 172.16.16.90। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कर दिया सेव इस सिस्टम पे। अब यहाँ पे शेड्यूल ड्यूरिंग शेड्यूल टाइम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था वेब और एप्लीकेशन में कि शेड्यूल टाइम कहता है, मैं यहाँ पे ऑल टाइम कर देता हूँ। अब हमारा सोर्स जोन हमारा लाइन होगा, सोर्स जोन लाइन में इस डिवाइस को हम ब्लॉक करेंगे। तो अब यहाँ पे डेस्टिनेशन में पूछ रहा है वैन, हमारा ट्राफिक लाइन से वैन को जाएगा। अब इसको हमने कर दिया अप्लाई। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी सर्विसेज एनी, और हमको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पे, और स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे हमको क्रिएट नेट रूल बनाना पड़ता है गाइज, अगर हमें आप वर्जन 18 यूज कर रहे हैं तो आपको नेट रूल बनाना पड़ता है। और इसको हम ओरिजिनल हमारा रहेगा ये यहाँ पे एस नेट, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस इसको कर देते हैं सेव। ये हमारा जो है कि रूल क्रिएट हो गया जो बनाना पड़ता है वर्जन 18 में। अब यहाँ पे हम गाइज हम वेब फिल्टरिंग का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हमको जस्ट क्लिक करना है। अब हमने वेब फिल्टरिंग में हमने एक मतलब पॉलिसी बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था YouTube ब्लॉक। अब हमने वेब पॉलिसी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया और यहाँ पे HTTPS स्कैन और स्कैन फॉर FTP मालवेयर कंटेंट ये सारी चीज़ें हमने इनेबल कर दिया। और यहाँ पे इनेबल करने के बाद गाइस और स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाएंगे। अभी हमने वेब लगा दिया, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते आइडेंटिफाई द कंट्रोल एप्लीकेशन। अब यहाँ से हमने एक यूट्यूब के लिए ऐप बनाया था, ऐप यूट्यूब ब्लॉक। अभी एप्लीकेशन लगा दिया हमने, एप्लीकेशन लगाने के बाद हमको कर देना सेव। हम जैसे ही सेव करेंगे ये जो यूट्यूब अभी खुल रहा है ये नहीं खुलेगा। आप देखो मैं यहाँ से गाइस कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद अभी हमारा ये पॉलिसी मतलब रूल क्रिएट हो गया। हमने फर्स्ट ऑप्शन पे आपको वेब बताया, फिर एप्लीकेशन बताया, अब ये रूल एंड पॉलिसी। अब हमने यूट्यूब ये पॉलिसी बना दिया है। अब यहाँ पे हम इसी यूट्यूब को जो है वापिस हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो अभी थोड़ा बहुत आई थिंक ये कैश से डेटा ले रहा है। हम एक काम करते हैं यहाँ पे वापिस यूट्यूब टाइप करते हैं .com। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज स्टॉप द एप्लीकेशन दिस साइट इज ब्लॉक, ऐसा आपको क्लियर मैसेज आ रहा है गाइज। आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आपको भी करना है। अगर मैं आपको कहीं भी गाइज प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगा। आप यहां पे देख सकते हैं कंप्लीट यूट्यूब ब्लॉक दिख रहा है आपको, और मेरा ये रूल पॉलिसी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इसी प्रकार से आपको भी करना, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा गाइज। सो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।